निराशा, उदासी, अवसाद या डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन से कैसे बचे? डिप्रेशन एक प्रकार का मानसिक विकार है। मेडिकल साइंस में इसे मेंटल डिसऑर्डर या मूड डिसऑर्डर की श्रेणी में रखा गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक विश्व की आबादी का लगभग 10% हिस्सा डिप्रेशन से ग्रसित है और इसके रोगी लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। इस वीडियो में कुछ पहलू को समझते हैं कि डिप्रेशन से कैसे निजात मिल सकता है, अपना और अपनों को इस रोग से कैसे सुरक्षित रखें। डिप्रेशन का कोई एक कारण नहीं है, इसमें कई कारण भूमिका निभाते हैं, जिसमें आनुवांशिक परिवेश से जुड़ी जीवन की घटनाएं तथा चिकित्सीय स्थितियां शामिल हैं। साथ ही अपने जीवन में घटने वाली बातों के प्रति वे किस तरह प्रतिक्रिया करते हैं, वो कारण भी भूमिका निभाता है। मेडिकल साइंस के अनुसार कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स जैसे सेरोटोनिन, डोपामाइन हमारे मूड को नियंत्रित करते हैं और अब जानते हैं कि यह किस प्रकार से काम करता है, को किस तरीके से अफेक्ट करता है। ब्रेन की तीन एरियाज डिप्रेशन से सबसे ज्यादा अफेक्ट होते हैं। पहला है हिप्पोकैम्पस, दूसरा है एमिग्डाला, तीसरा है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। तो सबसे पहले जानते हैं ब्रेन के हिप्पोकैम्पस एरिया पर डिप्रेशन के इफेक्ट को। ब्रेन के सेंटर में हिप्पोकैम्पस एरिया लोकेटेड होता है, जो न्यू मेमोरीज को बनाने के लिए और कॉर्टिसोल हार्मोन के प्रोडक्शन को रेगुलेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कॉर्टिसोल हार्मोन बॉडी से उस टाइम रिलीज होता है जब फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस होता है और डिप्रेशन के समय इसकी मात्रा काफी ज्यादा बढ़ जाती है। जब लंबे टाइम तक कोर्टिसोल की ज्यादा मात्रा रिलीज होती रहती है तो ये हार्मोन हिप्पोकैम्पस एरिया में नए न्यूरॉन्स के प्रोडक्शन को स्लो कर सकता है। कोर्टिसोल का ये एक्सेसिव लेवल ब्रेन में पहले से मौजूद न्यूरॉन्स को श्रिंक भी कर सकता है और ऐसा होने पर मेमोरी लॉस जैसे सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। अब जानते हैं कि डिप्रेशन ब्रेन के एमिग्डाला एरिया को कैसे प्रभावित करता है। ब्रेन का एमिग्डाला एरिया फियर और प्लेजर जैसे इमोशनल रिस्पॉन्सेस के लिए जिम्मेदार होता है। रिसर्च ये बताती है कि जिन लोगों में डिप्रेशन होता है उनकी ब्रेन में एमिग्डाला एरिया ज्यादा बड़ा होता है और ज्यादा एक्टिव भी होता है। एमिग्डाला के साइज और एक्टिविटी में ये बढ़ोतरी कॉर्टिसोल हार्मोन के हाई लेवल से कनेक्टेड होती है। ऐसा होने पर ब्रेन एक्टिविटी अबनॉर्मल हो सकती है और स्लीप पैटर्न भी डिस्टर्ब हो सकता है, यानी डिप्रेशन होने पर ना बॉडी को रिलीफ मिल सकता है और ना ही माइंड को। एमिग्डाला में होने वाले ये सारे चेंजेस ब्रेन के दूसरे एरियाज में भी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकते हैं। और अब जानते हैं प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और डिप्रेशन के कनेक्शन के बारे में। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ब्रेन के फ्रंट एरिया में लोकेटेड होता है। ब्रेन का ये एरिया इमोशंस को रेगुलेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, साथ ही मेमोरीज बनाना और डिसीजंस लेना भी ब्रेन के इसी एरिया का काम होता है। लेकिन जब कॉर्टिसोल हार्मोन बहुत ज्यादा मात्रा में लंबे टाइम तक रिलीज होता रहता है तो ये एरिया भी श्रिंक हो जाता है। नॉर्मली कॉर्टिसोल लेवल्स मॉर्निंग में हाईएस्ट रहते हैं और नाइट में लो हो जाते हैं, लेकिन ऐसे लोग जो डिप्रेशन खासकर मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर से ग्रस्त होते हैं उनमें कॉर्टिसोल लेवल्स हमेशा हाई रहता है, यानी सुबह से रात तक कॉर्टिसोल लेवल हाई बना रहता है, जो कि ब्रेन फंक्शंस को नेगेटिवली अफेक्ट करता रहता है। कॉर्टिसोल हार्मोन ब्रेन पर सबसे ज्यादा असर डालता है और इस हार्मोन का लेवल ब्रेन के फिजिकल स्ट्रक्चर और केमिकल एक्टिविटीज दोनों को अफेक्ट करता है और इसके प्रभाव से डिप्रेशन एक नॉर्मल ब्रेन पर हमला बोल देता है। डिप्रेशन ब्रेन इन्फ्लेमेशन का कारण भी बन सकता है। एक स्टडी के अनुसार ऐसे लोग जो 10 साल से ज्यादा समय तक डिप्रेस्ड रहते हैं उनमें 30% ज्यादा इन्फ्लेमेशन पाई जाती है और ब्रेन में आने वाली ये सूजन डिप्रेशन को पहले से ज्यादा खराब सिचुएशन में ले जाती है, क्योंकि ये ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स को अफेक्ट करती है जो मूड, लर्निंग और मेमोरी को रेगुलेट करते हैं। और इतना ही नहीं, ब्रेन की हाइपोक्सिया जैसी सिचुएशंस भी डिप्रेशन से लिंक्ड होती है।
हाइपोक्सिया में ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और सफिशियंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिलने से ब्रेन सेल्स में इन्फ्लेमेशन होने लगती है। कई बार ब्रेन सेल्स में इंजरी भी आ सकती है और ब्रेन सेल्स डेड भी हो सकती है, यानी कि मर सकती है। ऐसा होने पर लर्निंग, मेमोरी और मूड नेगेटिवली अफेक्ट होते हैं। डिप्रेशन के सिम्टम्स बॉडी में देखे जा सकते हैं, लेकिन ब्रेन को डिप्रेशन कैसे अफेक्ट करता है ये कुछ वक्त के बाद बिहेवियर में होने वाले चेंजेस से ही पता लगाया जा सकता है। डिप्रेशन से सरदर्द, बैक पेन और थकान जैसे ऑर्डिनरी सिम्टम्स के अलावा हार्ट डिजीज और स्ट्रोक का खतरा भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो दोस्तों, डिप्रेशन एक सीरियस मूड डिसऑर्डर जरूर है, लेकिन सही समय पर इसका इलाज लेकर आप इसे ठीक भी कर सकते हैं। इसके लिए ब्रेन में कॉर्टिसोल हार्मोन और दूसरे केमिकल्स के अमाउंट को बैलेंस किया जा सकता है, जिससे हिप्पोकैम्पस में होने वाले श्रिंकेज और मेमोरी प्रॉब्लम को ट्रीट किया जा सकता है। इसके अलावा मेडिकेशन की मदद से भी डिप्रेशन के ब्रेन पर पड़ने वाले नेगेटिव इफेक्ट्स को दूर किया जा सकता है। क्या न करें जब आपका कोई अपना डिप्रेशन से ग्रसित हो? अकेले न रहने दें, डांटे या दुकारे नहीं, नेगेटिव बातें न करें। क्या करें जब आपका कोई अपना डिप्रेशन से ग्रसित है? एक्सपर्ट की मदद लें, ये माने कि यह एक मानसिक विकार है, उनकी बातें सुने, साथ साथ व्यायाम करें। एंटी डिप्रेशन की दवा उपलब्ध है, कई संस्था द्वारा काउंसलिंग भी किया जाता है। फिजिकल एक्टिविटी जैसे मनोरंजन, गाना, डांस और बहुत कुछ, देखिए एक झलक। हम अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रख सकते हैं? डिप्रेशन से कैसे बचा जा सकता है? जैसे आप अपने सामान का रख रखाव करते हैं, ठीक उसी तरह इस शरीर का रख रखाव करना जरूरी है। और आपका शरीर का ध्यान कोई दूसरा कैसे रख सकता है? और इसके लिए बस थोड़ी सी चेतना यानी सजगता जरूरी है। अपने दिनचर्या में खाली समय कभी न रखें। प्रतिदिन करने वाले कार्य जैसे उठना, नित्य क्रिया, व्यायाम, नाश्ता, भोजन नियत समय पर करें। सोशल मीडिया से बचें, संगीत सुनना अति लाभकारी है। डांस करना, डांस में भागीदारी रखना शारीरिक और मानसिक रूप से अधिक लाभकारी व्यायाम माना गया है। हंसना हंसाना, सैर सपाटे करना, अहम हो या वहम, इसको हटाए। जीवन एक यात्रा है, इसका भरपूर आनंद लें। आपके पास जो कुछ भी है, कितने लोग उसे पाने के लिए संघर्षरत हैं, इसलिए भगवान का शुक्रिया करें। और अंत में देखिए स्वस्थ शरीर के लिए एक डाइट टिप्स वीडियो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जो कहीं भी कभी भी प्रतिदिन किया जा सकता है। रसोई में रखे मसालों में हल्दी बेहद अहम है, जो सेहत के लिए अति लाभकारी है, ये तो आप भी जानते होंगे। लेकिन आज समझने की कोशिश करेंगे हल्दी के अनमोल गुणों के बारे में। WHO, यूरोपीय संसद और यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने स्वीकृति दी है कि हल्दी में मिलने वाले अवयव, जिसको मेडिकल साइंस में कुरकुरमिन कहते हैं, ये किसी भी संक्रमण को रोकने में सक्षम है। कोरोना जैसे संक्रमण से होने वाले जानलेवा बीमारी में सबसे अधिक कारगर है कुरकुरमिन, जो हल्दी में पाया जाता है। हल्दी से होने वाले ये फायदे जानकर हैरान रह जाएंगे आप। मेडिकल साइंस के अनुसार लीवर और किडनी की समस्या को टालता है, ब्लड क्लॉटिंग की समस्या कम होती है, हृदय को स्वस्थ रखने में मदद मिलती है, कैंसर से बचाव करता है, वायरल बुखार और संक्रमण से बचाता है, डेंगू बुखार, सर्दी, खांसी से बचाता है, डायबिटीज को नियंत्रित करता है। हल्दी के स्वास्थ्य लाभ: प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, घुटने और जोड़ों के दर्द में काम आता है, मधुमेह को नियंत्रित करने में मदद करता है, कैंसर से बचाव करता है, हृदय संबंधी रोग को कम करता है, ब्रेन संबंधी रोगों को कम करता है,
प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाता है, पाचन में सुधार करता है। मेडिकल साइंस के जर्नल ऑफ जनरल बायोलॉजी में प्रकाशित एक लेख है जिसमें कुरकुरमिन, जो हल्दी में पाया जाता है, ट्रांसमिसेबल वायरस को रोक सकता है। मेडिकल साइंस के अनुसार प्रति 100 ग्राम हल्दी में कैलोरीज 354 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट 65 ग्राम, फाइबर 2 से 5 ग्राम, प्रोटीन 8 ग्राम, शुगर 3 से 2 ग्राम, फैट 10 ग्राम पाया जाता है। अब तक हल्दी को मेडिकल साइंस की भाषा में जाना, हल्दी के फायदे और हल्दी में पाए जाने वाले अवयव के बारे में जानकारी ली। आयुर्वेद में हल्दी को संजीवनी की संज्ञा दी गई है, फायदे ही फायदे, कोई साइड इफेक्ट नहीं। आप समझते हैं कि हल्दी, जो भारत के हर घर की रसोई में दाल सब्जियों में डाली जाती है, फिर भी वायरल, सर्दी खांसी, जोड़ों में दर्द क्यों होता है? जब खाना बनाया जाता है तो खाने में मसालों की मात्रा स्वाद अनुसार ही रखने की बाध्यता होती है। सब्जी में हल्दी पेस्टिसाइड के इफेक्ट को कम करती है और खाना हेल्दी हो जाता है। लेकिन शरीर के अंदर बन रहे टॉक्सिन, जिसे शरीर के अंदर की गंदगी या विषैले पदार्थ के नाम से जाना जाता है, ये टॉक्सिन ही कारण है बीमारी होने का। यानी शरीर के अंदर बन रहे टॉक्सिन को समाप्त करना होगा और स्वस्थ रहने के लिए अतिरिक्त हल्दी का उपयोग करना आवश्यक है। अब जानते हैं कि हल्दी का सेवन और उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए। हल्दी प्रतिदिन 1 चम्मच 5 से 8 ग्राम पानी के साथ ले सकते हैं। गुनगुने पानी के साथ उत्तम और दूध के साथ सर्वोत्तम माना गया है। कच्ची हल्दी सलाद में, हल्दी पास्ता, हल्दी लड्डू, हल्दी कॉफी ज्यादातर लोग पसंद करते हैं। सौंदर्य के लिए, खासकर त्वचा के लिए बहुत ही लाभदायक है। इस वीडियो का उद्देश्य अपने और अपनों का शरीर स्वस्थ रहे, जीवन में खुशियां रहें। उसका नाम है हड़प, हल्दी, बहुत अद्भुत। अगर गले का कोई भी त्रास हो गया, खांसी होती है, बार बार खांसी होती है, सर्दी होती है, बार बार सर्दी होती है, बच्चों को कई बार वो टॉन्सिलाइटिस हो जाता है, दर्द होता है टॉन्सिल्स का, ये गले के सभी त्रास की सबसे अच्छी औषध है हड़द। हड़द लेने के दो तरीके हैं। आप हड़द को गर्म पानी में डाल के ले सकते हैं या गर्म दूध में डाल के ले सकते हैं। दूसरा तरीका, हड़द में मध मिला के ले सकते हैं और हड़द में गाय का सूप मिला के भी ले सकते हैं। ये दो तरीके से हड़द ली जाती है, या तो पानी और दूध में लीजिए गर्म करके, और या तो मध में या गाय के सूप में लीजिए। गले के सभी रोगों में अद्भुत। मैंने आपको कहा बार बार खांसी आती है, बार बार सर्दी होती है, बार बार जुकाम होता है, ये सभी के लिए औषधि है हड़द। बच्चों को टॉन्सिल की जितनी भी तकलीफें हैं उसकी सबसे अच्छी औषधि है हड़द। टॉन्सिलाइटिस की तकलीफ में भी आप डॉक्टर के पास जाएंगे, वो तुरंत कहेगा ऑपरेशन कराओ, बच्चों के टॉन्सिल काट के निकालो, कभी मत कराना। उनको थोड़े दिन हड़द दे देंगे, हमेशा के लिए टॉन्सिल की तकलीफ खत्म हो जाएगी। और ज्यादा टॉन्सिल की तकलीफ है कुछ बच्चों को, तो सूखी हड़द जो होती है पाउडर के रूप में, उसको सीधे गले में डाल दीजिए, अंदर चम्मच में हड़द भरिए, गले के अंदर तक चम्मच ले जाइए और छोड़ दीजिए। बस 5-7 मिनट में लार के साथ मिलकर वो अपने आप नीचे उतर जाएगी। और हफ्ते में 2 बार भी आपने ऐसा किया तो हमेशा के लिए टॉन्सिल की तकलीफ बच्चों की खत्म हो जाएगी। यही हड़द रक्त का भी शोधन करती है। नियमित रूप से हड़द का दूध आप पीते रहें या बच्चों को हड़द का दूध पिलाते रहें तो रक्त में कभी भी कोई दोष नहीं आता, रक्त में कोई विकार नहीं आता। और रक्त विकार ना हो तो शरीर में कोई रोग नहीं आता आसान। और हड़द एंटीवायरल है, एंटीबायोटिक है, एंटीपायरेटिक है, एंटी इंफ्लेमेटरी है। 5 गुण एक साथ हड़द में है। कहीं चोट लग गई है तुरंत हड़द लगा दीजिए, खून बंद हो जाता है। सेवलॉन लगाने की जरूरत नहीं, कोई एंटीसेप्टिक क्रीम लगाने की जरूरत नहीं। और जिनके शरीर को, ये बात को आप गंभीरता से और ध्यान से सुनिए, जिनके शरीर को रंग साफ करना है, माने आपको ऐसा लगता है कि आपका रंग थोड़ा डार्क है, थोड़ा ब्लैक है, थोड़ा काला है, आप थोड़ा गोरा होना चाहते हैं, रंग साफ करना चाहते हैं, तो हड़द से अच्छी कोई वस्तु पूरी दुनिया में नहीं। जिनको रंग अच्छा करना है अपने शरीर का, नियमित रूप से हड़द खाइए, दूध में डाल के, नहीं तो पानी में डाल के, नहीं तो मध में मिला के, रंग नियमित रूप से आपका साफ होता जाएगा।
दुनिया में जो काम कभी भी फेयर एंड लवली नहीं कर सकती वो हड़प कर सकती, वही आधा चम्मच नियमित रूप से लेना पड़ेगा, ज्यादा दिन तक लेना पड़ेगा। फेयर एंड लवली तो कुछ नहीं करती, मैंने फेयर एंड लवली को लगा के देखा एक मशी को, चार साल रिगड़ रिगड़ के, वो मशी अभी भी काली की काली। इसलिए फेयर एंड लवली तो कुछ भी नहीं करती, ये बकवास है और टीवी में बोगस जाहिरात है। और महंगी इतनी आती है फेयर एंड लवली, 25 ग्राम 40 रुपए की, तो हिसाब निकालेंगे तो 1600 रुपए किलो आती है। अभी 1600 रुपए किलो की फेयर एंड लवली लाए, उससे अच्छा है 20-25 रुपए किलो हड़द ले आइए, उसकी ताकत बहुत है। और आपको एक और माहिती देता हूं, जिनको शरीर की तकलीफ ऐसी है कि सूर्य के प्रकाश में थोड़ा भी निकले तो त्वचा में जलन होने लगती है, इन सब लोगों को मेरी विनती है कि हड़द लगाइए, हड़द लगा के आप बाहर निकलिए, कभी भी त्वचा में जलन नहीं होगी, सन बर्न कभी भी नहीं होगा, सन स्ट्रोक कभी नहीं होगा। और ऐसे लोग जिनको जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करना है, अपने शरीर की शक्ति और वीर को सुरक्षित रखना है, वो नियमित रूप से हड़द खाएं तो ब्रह्मचर्य को बहुत अच्छे से आप पालन कर सकते हैं और आपके शरीर के वीर को बहुत अच्छे से सुरक्षित रख सकते हैं। और इसी हड़द का अद्भुत उपयोग है, दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारी जो किसी औषध से ठीक नहीं होती है वो हड़द से ठीक होती है, और उसका नाम है कैंसर। आप माहिती है आपको, हड़द अमेरिका में पेटेंट करा ली गई, अमेरिका सरकार ने हड़द पर 33 पेटेंट लिए और ये सारे पेटेंट कैंसर ट्रीटमेंट से लिए गए। हड़द का उपयोग कैंसर में होता है। अब कौन सी हड़द का उपयोग होता है, हड़द आपके घर में जो काम आती है वो सूखी हड़द है पाउडर के रूप में, एक ताजा हड़द आती है, लीली हड़द कहते हैं, आंबा हड़द कहते हैं, ताजा हड़द कहते हैं, जो खेत में से निकल के सीधे आती है, उस हड़द की चटनी बनाएं, उसमें से रस निकलता है, वो रस कैंसर के रूप में काम आता है। कैंसर के किसी भी मरीज को जिसको गले का कैंसर है, पेट का कैंसर है, आहार नली का कैंसर है, ऐसे किसी भी कैंसर के मरीज को हड़द का रस मत मिला के देंगे तो कैंसर में बहुत तेज काम करती है। अभी तक जितनी रिसर्च हुई है दुनिया में हड़द पर, उन रिसर्च का ये कहना है कि हड़द में कर्क्यूमिन नाम का एक केमिकल है जो कैंसर को ठीक करने की ताकत रखता है, और ये सिर्फ भारतीय हड़द में ही है और दुनिया के किसी देश की हड़द में नहीं है। पाकिस्तानी हड़द में ये नहीं है, बांग्लादेशी हड़द में नहीं है, भारत की हड़द में। तो हड़द आप घर में रखिए, ताजा हड़द मिले और घर में कोई कैंसर का मरीज हो तो उसका रस निकाल के थोड़ा मध मिला के उसको नियमित रूप से पिलाते रहे, और मध ना मिला सके किसी कारण से तो हड़द में गुड़ मिला के, काकवी मिला के उसको देते। दोस्तों आज कुछ खास लेकर आया हूँ आपके लिए, सिर्फ 5 मिनट रोजाना करोगे और आपको उस लेवल का एनर्जी मिलेगी आप सोच नहीं सकते। आपकी रोग प्रतिरोध क्षमता जितनी है उसे कम से कम 3 से 4 गुना बढ़ जाएगी। हमारी जो हाथ है ना, कई बार हमारी आदत है हम लोग ऐसे भी मुट्ठी मुट्ठी करते हैं, मगर हमें ये पता नहीं है कि ये मुट्ठी जब बंद होती है और खुलती है तो हमारे शरीर के अंदर क्या होता है, ये मुट्ठी जब बंद होती है और खुलती है तो किस लेवल का चेंजेस हमारे शरीर में होता है, किस तरह का केमिकल रिएक्शन हमारे अंदर होता है, कौन से हार्मोन्स हमारी अच्छी सिक्रेशन होती है और कौन सा बुरा चीज हमारा कम हो जाता है, चाहे वो डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, स्ट्रेस हो। एक साधारण सी बात है, हम लोग ऐसे ही बैठ के भी कई लोगों की आदत है ऐसे मुट्ठी मुट्ठी करते रहते, कभी हाथ अकड़ने के जैसे लगता है, कभी कुछ लगता है, हम लोग ऐसे मुट्ठी बंद करते हैं और खोलते हैं। तो दोस्तों बहुत सिंपल तरीका है ये, जब आप मुट्ठी बंद करते हो ना, तो खास करके राइट मुट्ठी जब आप बंद करते हो इस तरीके से, तो इसमें आप देख लो पहले अपनी इंडेक्स फिंगर को, ये इंडेक्स फिंगर जहां टच होती है उसको एड्रेनल ग्लैंड कहा जाता है, जो खास करके हमारा ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। मिडिल फिंगर जो जहां हमारी टच होती है, राइट हैंड की बात ही बता रहा हूं, तो वो सीधे किडनी के रिफ्लेक्शन एरिया को टच करता है। रिंग फिंगर हमारी जहां टच होती है वो सीधे पैनक्रियाज के रिफ्लेक्शन एरिया को
उसका जहां नर्व एंड है उसको टच करता है, एंड लिटिल फिंगर जहां टच होती है वो आपका लिवर कहलाता है। राइट साइड और लेफ्ट साइड में सिर्फ एक ही चीज का अंतर है, वो राइट में है आपका लिवर, लेफ्ट में है आपका हार्ट। लेफ्ट का लिटिल फिंगर जहां पे टच होती है दैट इज कॉल्ड द हार्ट। यानी अगर हमने इस तरीके से मुट्ठी बंद करते हैं और खोलते हैं तो हमारा इंडेक्स फिंगर टच कर गया आपका एड्रेनल ग्लैंड, मिडिल फिंगर जहां टच हो गया वो आपका किडनी हो गया, और रिंग फिंगर जहां टच हो गई वो आपकी पैनक्रियाज हो गया, और लिटिल फिंगर जहां टच हो गई वो आपका लीवर हो गया। इधर उसी तरीके से ये एड्रेनल ग्लैंड यानी बीपी पॉइंट हो गया, इधर आपका किडनी पॉइंट हो गया, ये आपका पैनक्रियाज यानी डायबिटीज के लिए हो गया, और ये आपका लिटिल फिंगर जहां टच हो हार्ट का हो गया। अब सवाल ये है कि हम इसका प्रयोग कैसे करें थेरापीटिकली अपने लिए सिर्फ 5 मिनट। आप किसी भी जगह पे बैठ लीजिए, चाहे चेयर में हो, बेड पे हो, या फिर आसन डाल के नीचे बैठ लें, जहां आप कंफर्टेबल हो, जिस हालत में भी आप हो, दिन में एक या दो बार 5 मिनट्स। मुट्ठी बंद करना है सांस लेते हुए और टाइट करके रखना है 1-2 सेकंड, फिर इसको खोलना है, फिर से ऐसे मुट्ठी बंद करनी है और फिर इसको खोलना है। थोड़ा टाइट करके दबाइए जिससे कि वो जो पॉइंट है वो स्टिमुलेट हो सके, पॉइंट जो है वो थोड़ा दबे, फिर 1-2 सेकंड रोकनी है और इसको खोलनी है। इस तरीके से मुट्ठी बंद करनी है और खोलनी है, यानी आपके मुट्ठी के अंदर आपका अच्छा स्वास्थ्य छुपा हुआ है, बस दबाओगे वो निकल आएगा। आपकी एनर्जी आपके मुट्ठी में बंद है, आपका बीमारी को दूर करने की क्षमता मुट्ठी के अंदर बंद है, बस टाइट करें और फिर वो खुल के बाहर आएगा। आपकी ब्यूटी आपके मुट्ठी के अंदर है, टाइट करिए, 2 सेकंड रोकिए, फिर इसको खोलिए। यानी जैसे खोलोगे आपके अंदर खुद को फील होगा कि एनर्जी बढ़िया जबरदस्त आ रहा है। मैं थोड़ा इसको योगा और एक्यूप्रेशर का दोनों को मिला के तैयार किया हूं कि आप जब भी मुट्ठी बंद करते हो एक्स्ट्रा एक बार को उसमें जोड़ा गया है कि आप सांस जरूर लो, जब मुट्ठी खोलते हो तो सांस बाहर निकालो, सांस लिए मुट्ठी बंद किए, सांस छोड़े मुट्ठी खोल दिए। दोस्तों 5 मिनट आप इस तरीके से करना है और आप देखोगे डे बाय डे आपके अंदर चेंजेस आते जाएगा। जिसको ब्लड प्रेशर है, जिसको किडनी का प्रॉब्लम है, जिसको आपका डायबिटीज है, जिसको लिवर में प्रॉब्लम है, जिसको हार्ट में प्रॉब्लम है, उनके लिए तो ये पूरा रामायण है। अगर आपका हार्ट, लिवर और आपका किडनी, एड्रेनल ग्लैंड, पैनक्रियाज ये सब बढ़िया रहा और क्या चाहिए। उम्मीद करता हूं आप इसको अमल में लाओगे, डेली रेगुलर प्रैक्टिस करोगे, इसका फायदा आपको जरूर होगा। In today's era, diabetes is being found in people of any age. Diabetes is one of the fast-growing global disease. You also want to say bye-bye to medicine if you don't want to eat medicine. Then this video is for you. Clinical research of Dr. Biswarup Roy Chaudhary has found out that on discontinuing the medicines and being on a particular plant-based diet can high blood glucose levels in diabetes patients be normalized. In people who don't do physical work, irregularities in eating, genetic diseases and mental anxiety are considered to be some of the main causes of diabetes. WHO and FDA first time provided data on diabetes in 1979. This is not a disease only, this is medical condition also. According to medical science, diabetes is considered dangerous because it gradually fails all the organs of the body. If it is not controlled, then later it gives
rise to diseases like heart disease, kidney failure, stroke. Nowadays, generally as per medical practitioner, no body is healthy. Either you are diabetic or pre-diabetic patients. Now separate medicines are also being given to diabetic and pre-diabetic patients. But in this video, we will understand that what should we do now? First of all, consider that diabetes can be easily controlled. There are some misconceptions about it. First, after 40 to 45 years, there is diabetes. Second, this is a genetic disease. Third, it cannot be cured. Fourth, always have to take its medicine. What is the logic behind this myth? This propaganda is being spread without any scientific basis. Medical science has not mentioned this in any of its journals. It can happen to people of any age. Diabetes is not genetic, but habits, diet, lifestyle are genetic. As you will see around, if the parents in a family are vegetarian, then their children are also vegetarian. And if the parents are non-vegetarian, then their children are also non-vegetarian. Similarly, in a family, if parents get up early in the morning, their children also get up early in the morning. And if parents get up late in the morning, then their children also get up late in the morning. We have to pay attention. What are the causes of diabetes? The pancreas in our body, which works to make insulin. Lack of insulin is believed to be the cause of diabetes. That is, we have to keep the pancreas healthy. Now know that if you don't want to eat medicine, you also want to say bye-bye to medicine. Now we know that if medicine is not to be taken, then what to eat, how much to eat, when to eat. These three things are very important. Till 12 noon, easy to get, 4 to 5 types of fruits only, of your choice. Have to eat only fruit and nothing else. How much to eat? Eat fruits equal to 1% of your body weight, whether it is once or twice till 12 noon. If your body weight is 80 kg, then you have to eat 800 grams of fruit till 12 o'clock in the day. Only then it will work as medicine. You can also understand that the God made you only to eat only fruit. Now in lunch, keep food in two plates. In the first plate, keep 4 to 5 types of raw vegetables in the form of salad, whose quantity should be more than 0.5% of your body weight or 350 grams. And keep your choice of roti, bread, vegetables, rice, lentils, chickpeas vegetarian in another plate. No egg, non-veg and dairy product, less oil and salt. Keep in mind that eating salad in full quantity will act like medicine. In medical science, it is called DAP diet. The dinner is also to be eaten like the day's meal, but before 8 o'clock at night. You will see that in a week, you will start feeling hungry. You will feel fresh in yourself. Follow a regular routine of exercising, eating your meals, and taking your medicines at the same time each day. Don't take tension and have happiness in life. In this video, you will know what kind of diet will benefit in heart disease, brain attack, and blood pressure without taking medicine even in 1 or 2 days. According to the medical journal, diet is the main reason in different countries of the world there is more or less number of patients suffering from heart disease, brain attack, blood pressure. As stated by medical science, people who have high K factor do not have heart disease, brain attack, and blood pressure diseases. What is this K factor?
दिस इज इन मेडिकल लैंग्वेज, लेट्स अंडरस्टैंड इट इन जनरल लैंग्वेज. ग्लोबली देर इज अ कॉम्प्रहेंसिव डेटा इन विच इट हैज बीन फाउंड दैट वेयर द के फैक्टर इज हायर इन द पीपल, द नंबर ऑफ हार्ट पेशेंट्स इज लेस. लेट अस अंडरस्टैंड विद एन एग्जाम्पल. The government of Finland in 1972 to 1999 increased the K factor in the diet to prevent cardiovascular diseases to all residents and found a reduction in cardiovascular diseases up to 60%. How to increase K factor? There are countless cells in the human body. There are many types of minerals in every cell. Two of them, very important minerals, are potassium and sodium. The chemical name of potassium is kalium, denoted by K. And the chemical name of sodium is natrium, denoted by Na. The amount of both these minerals, potassium and sodium, remains constant in every cell. If potassium increases, sodium decreases, and if potassium decreases, sodium increases. In this way, God has created the human body. If the K factor is to be increased, then potassium has to be increased. By doing this, heart diseases, heart attacks, blood pressure, stroke are prevented. Now the question is, how to increase the K factor in the body without taking medicine, even in 1 to 2 days? For this, we need to eat foods with more potassium and less sodium in our food. Now again, the question is, by looking at the food, how can we understand that potassium is more in this food? It is easy to understand. Potassium is high in all food items given by nature and sodium is high in foods made by humans or processed food. Stay healthy and have happiness in life. मच्छर काटने से होने वाले बीमारियों में डेंगू बुखार बहुत खतरनाक और जानलेवा है. यह बीमारी एक विश्वव्यापी समस्या हो गई है. डेंगू बुखार एक संक्रमण है जो डेंगू वायरस के कारण होता है. यह तब होता है जब वायरस वाला मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है. डेंगू बुखार में मच्छर के काटने के 4 से 7 दिन बाद शरीर में ब्लड प्लेटलेट्स का स्तर कम होना शुरू हो जाता है. दूसरा प्रकार है डेंगू शॉक सिंड्रोम, जिससे खतरनाक रूप से लो ब्लड प्रेशर होता है. डेंगू के लक्षण सिम्टम्स: आंख दर्द, मांसपेशियों में दर्द, हड्डी में दर्द, जोड़ों में दर्द, लाल चकते, उल्टी आना, सिर दर्द, तेज बुखार मुख्य लक्षण होता है. निरंतर प्लेटलेट्स का कम होना ही व्यक्ति के लिए जानलेवा हो जाता है. डेंगू वायरस से बचाने के लिए कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं है. डेंगू बुखार से लोगों को बचाने के लिए कुछ उपाय हैं जो किए जाने चाहिए जिससे प्लेटलेट्स का स्तर कम न हो. उपचार में लाभकारी: गिलोय का रस, कीवी फल, पपीता के पत्ते का रस, गेहूं के ज्वारे का रस, चुकंदर का रस पीने से तुरंत लाभ मिलता है. डेंगू से बचाव कैसे करें? पानी को किसी जगह इकट्ठा न होने दें. मच्छर मारने वाली मशीन और जाली का उपयोग कर सकते हैं. जब भी आप घर से बाहर जाएं, मच्छर से बचाव वाली क्रीम का उपयोग करें. सोने से पहले मच्छरदानी को अच्छी तरह से सेट कर लें. डेंगू से ठीक होने के बाद प्रतिदिन हल्दी का उपयोग करें.